हेलो फ्रेंड्स, आदित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। यह वीडियो में आपको बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है। इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और बारीकी से इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। यह वीडियो पार्ट वन के रूप में है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्रमांगत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दिया हुआ है क्या, क्रमांगत संख्या 1 से 100 तक दिया हुआ है, ताकि सभी संख्याओं का योग क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू N बटा 2 इंटू ए प्लस एल। इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है। इसमें आपको देख पा रहे होंगे कि एस एन इक्वल टू एन बटा टू इंटू ए प्लस वन एल दिया हुआ है। इसमें एस है जो कि सम है, और इसमें एन है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपको नंबर जोड़ना है वही यहाँ पे एन दिया हुआ है। इक्वल टू ये भी नंबर वही है जो कि आपको जोड़ना है, बटा टू। ये जो ए है ये फर्स्ट टर्म है, और प्लस एल जो है ये लास्ट टर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। एस एन इज्क्वल टू एन, नंबर कितना दिया हुआ है, 100/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1, प्लस लास्ट टर्म क्या है 100। तो ये 100/2 इंटू 101, तो 2 से कट जाएगा 50 से, इसको गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा 505। ये लास्ट में जो 0 है इसको लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, 505। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह के जब भी आप क्वेश्चन देखें तो आपको दिमाग में जल्दी से आना चाहिए कि आपको किस तरह इसको सॉल्व करना है। बस कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला सिर्फ आपको दिमाग में याद रखना है और सेम टू सेम इसी तरह को आपको इसको यूज कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 ... 60 तक का योग क्या है। 1800 है ए, बी 1830 होगा, या सी 1730 होगा, या डी 1630 होगा। तो देखते हैं इसको। एस एन इज्क्वल टू एन वाई टू ए प्लस एल, इसको सेम उसी तरह जैसे हम लोग ऊपर में पुट किए थे सेम टू सेम उसी तरह हमको इसमें भी पुट करके देख लेना है। तो एन कितना हो गया, 60/2। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है इसमें 1, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 60, तो हो जाएगा 60/2 इंटू 61। ये 2 से कट जाएगा 30, इसको गुना करेंगे। तो इसको गुना करने के आपको तरीके मालूम होना चाहिए, इस तरह के गुना करना हो तो ये पहले 3 से इंटू कर लेंगे, 3 ये 18, ये 0 है लास्ट में तो लास्ट में 0 लिख देंगे। तो 1830 आ गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी, 1830। आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपके फ्री के नंबर मिल रहे हैं। आप अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं आ रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 900 होगा, या 930 होगा, या 830 होगा, या 520 होगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा। 60 तक सभी सम संख्या हो, मान लीजिए 2, 4, 6, 8... 60। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2, 4, 6, 8 ये क्या है, सम संख्या है, से लेकर 60 तक है। इसको हम लोग यूज करते हैं एन बटा टू ए प्लस एल। एन कितना दिया हुआ है, 60।
60 तक संख्या दिया हुआ है, तो 60 संख्या में आपको 30 संख्या सम होते हैं और 30 संख्या विषम होते हैं। तो यहाँ पे सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या 30 हो जाएगा। तो 30 बटा 2 ये हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 2 प्लस लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म 60। 30/2 इंटू 62, 2 से 31, 31 को 3 से इंटू करेंगे तो 3, 9 यहाँ पे 0, 9 3 0, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है चौथा, 2, 4, 6, 8.8080 तक योग क्या होगा, 1600 होगा या 1640 होगा या 1500 होगा या 1540 होगा। तो सेम जिस तरह के हम ऊपर में सॉल्व करके देखे थे, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है। तो 2, 4, 6, 8.60 तक, 80 तक का योग पूछ रहा है इसमें भी। तो एस एन इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एल, एन कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 80 नंबर है, तो इसमें सम संख्या कितना हो जाएगा 40, और विषम संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सम संख्या होगा तो 40/2। फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है 80। 40/2 इंटू 82, 20 से ये कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 16 0। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 1640, 1640 20 का उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।